सान भाई नमस्कार, मैं आपका छोटा भाई गुरविंदर, गुरविंदर डेयरी फार्म से लाइव में आपका वेलकम है। और जो आज की गाय है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में जा रही है। फार्मर से भी बात कराएंगे क्योंकि हमारे लाइव में कोई ना कोई कंसेप्ट होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है जो भी हम लाइव करते हैं। क्योंकि हम हर कोई गाय दिखा देता है, गाय देखो, ऑर्डर देखो, ये चीज़ें हम वीडियो में भी बता सकते हैं, पर फार्मर को बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है, उसके बारे में बताया जाए। ये मैं बैलेंस गुड समझता हूँ क्योंकि ये नहीं होता भी नंबर पे आप कॉल करके पूछ लो, कुछ बातें लाइव बताई जाए वो बैलेंस गुड होती है। क्योंकि कई भाई बैलेंस लाइव में 5-2 हज़ार आदमी जुड़ेगा तो उसको 2 हज़ार को पता चलेगा, तो कॉल में कई भी कोई भाई रह जाते हैं। क्योंकि अभी जो कॉल आ रही थी भी गाय के गोबर में ब्लड आ रहा है, तो वो क्या रीज़न है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो आपके क्या रहता है अभी गोबर में ब्लड आने का क्यों रीज़न क्या है? क्योंकि अब भाई गेहूं की फसल की कटाई हुई है, जो नया भूसा आया है, नई तूड़ी बोल देते हैं, भूसा बोल देते हैं, तो जब आप गाय को खिलाते हैं तो उसमें आप वही क्वांटिटी खिला रहे हो, 3-4 किलो जो जहाँ पहले खिला रहे थे वही क्वांटिटी खिला रहे हो, तो उसमें क्या होता है अंदर वो उसमें यूरिया की मात्रा भी होती है, फाइब्रोसिन की मात्रा भी होती है, तो ये नया भूसा होता है ना, तो गाय को वो छूटेबल काम करता है, अंदर जख्म कर देता है उसके, तो उसमें थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आने लग जाती है, गोबर में ब्लड आ जाए, अंदर जख्म हो जाते हैं। तो कृपया आप क्या कीजिए, भूसा तो पुराना नहीं ले सकते क्योंकि कईयों भाइयों के पास खत्म हो चुका है, तो आप क्या करना है, आपने उसकी डोज कम कर दें। अगर आप एक गाय को 3 kg कर रहे हैं तो वहाँ पर 1 kg कर दो, उसको 1 kg कर दो, तो एक महीना आप साइलेज की मात्रा बढ़ा दो और भूसे की मात्रा बिल्कुल कम कर दो, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। फिर बोलता हूँ, नॉलेज के बिन डेयरी फार्म चलाना बड़ी मुश्किल डिफ़िकल्ट काम है। अगर आपको नॉलेज है तो एक आप अच्छा फार्मर चला सकते हो, अच्छे डेयरी फार्म चला सकते हो। और भाइयों के कमेंट आ रहे हैं नीचे, किंग ऑफ पंजाब, मैं बोलता हूँ मैं किंग नहीं, आप हमारे लिए किंग हो। और एक भैया बड़ा अच्छा कमेंट आया एकम सिंगला जी का, कहाँ से लाते हो भाई ऐसी ऐसी गाय? तो मैं सिंगला साहब को बोलना चाहूँगा, अभी गाय तो उसी फील्ड से लेके आते हैं, बस देखने का नज़रिया होता है। मैं नहीं बोलता मैं कहीं फॉरन से गाय लेके आ रहा हूँ, मैं भी उसी फील्ड से गाय लेके आ रहा हूँ जहाँ से अदर फार्मों वाले प्रोसेसिंग करके लेके आते हैं, पर देखने का नज़रिया होता है। कई किसी को छोटी उम्र में आ जाता है, कई कोई उम्र लग जाती है, नज़रिया नहीं आता। जब आपको नज़रिया आ गया तो आप एक सक्सेसफुल फार्मर भी बन जाओगे। तो एक गाय को भी किसी को आँखों से देखोगे ना तो उसकी मिल्किंग के बारे में आइडिया लगा सकते हो, इतना मिल्किंग दे देगी। तो हर भाइयों को बोलना चाहूँगा, गर्मियों का सीज़न आ रहा है, जो भाई गाय गर्मैश ज़्यादा मानते हैं उसको लाइव स्टॉप का जो 5-7 ग्राम की डोज कर सकते हो उसकी, क्योंकि वो उसको जो नाक में से लाल फेंकती है, जो अंदर से बाहर निकालती है, तो उसके उसका वो लाइव स्टॉक कंसेप्ट भी, और नाकों में लाड़ें फेंक के कम कर देगी तो गर्मैश भी कम मानेगी। क्योंकि कैल्शियम स्टार्ट कर दो, अदरक पानी 3-4 बार पिलाओ, क्योंकि मैं बोलता हूँ अगर आपके पास नेचुरली चीज़ें जो घर पे करोगे तो वो एक वेलन गुड होती है। क्योंकि आप बहुत सारी मेडिसिन इंग्लिश मेडिसिन में पड़ जाते हैं, वहाँ पे एनिमल के कोई गर्मी मानगी तो आप बोलते हो टेम्परेचर आ गया, तो आप डॉक्टर को बुलाते हो, डॉक्टर आता तो वो एक एंटीबायोटिक लगाता है, एक नॉर्मल इंजेक्शन लगाता, तो वहाँ पे आप बोल देते हो उसको फीवर हो गया, अनजान भाई बोल देते हैं। मैं बोलना चाहूँगा भी गर्मी में वैसे ही गाय का टेम्परेचर 1-2 पॉइंट अप रहता है, किसी भी गाय का टेम्परेचर चेक करोगे, अगर 102 है तो 103 हो जाएगा, जब 100+ हो जाएगा तो वो आपका एक आधा पॉइंट का वो टेम्परेचर नहीं होता। आप गाय को हो सकता है तो जब ऐसा आपको प्रॉब्लम आए तो आप पानी लो, उसको दिन में वॉश कर दो, गाय को वॉश कर दो, नहला दो, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ों अपने हाथ में होती है बट नॉलेज नहीं होती, वहीं पर बात आ जाती है। ब्रीडिंग अनब्रीडिंग की बात करेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट लेके जाएंगे, ब्रीडिंग सभी के पास है, कई बार गलियों में भी ब्रीडिंग घूम रही है, ब्रीड होती है सभी के पास, बस बात होती है अभी आगे वाली सुधार कैसे करना है। क्योंकि आप क्या करते हो, सीमन लगाते हो तो आप एक गाय की मदर को देख के सीमन लगा देते हो, भी इसने मदर ने 40 लीटर मिल्किंग दिया है, इसका आर्डर बहुत बड़ा है, तो आप ये बछड़ी का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ये चीज़ें नहीं होती। अब मदर में देखो भी इसमें कहाँ उसके नेगेटिविटी कहाँ में है, उसका आर्डर बड़ा है तो एक छोटे आर्डर वाले सीमन चूज़ करो। अगर उसका बॉडी
मदर में बॉडी स्कोर अच्छा नहीं है तो एक बड़े बॉडी स्कोर वाले सीमन चूज करो, अगर उसका हांचल का गैप अच्छा नहीं है तो एक अच्छे हांचल वाली जो परफेक्ट हांचल जहाँ कोई आर्डर की क्वालिटी हो वैसे सीमन इस्तेमाल करो। तो आओ आपको गाय के ऊपर भी नजर में रह देते हैं जो कि महाराष्ट्र को जा रही है, फार्मर को से भी बात कराएंगे, महाराष्ट्र को जा रही है और कर्नाटका को जा रही है और गुजरात को जा रही है उनसे बात कराएंगे। तो मेरा कंसेप्ट रहता है भैया पंजाब में और सभी डेयरी फार्म में विजिट करो तो फिर आप एनिमल प्रोसेसिंग करो ताकि जहाँ से आपको अच्छे एनिमल मिल सके वहाँ से प्रोसेसिंग करो। तो आज के जो एनिमल है वो आपके सामने ऐसा टॉप टॉप लेवल के एनिमल आपके ऊपर उसके ऊपर नज़र मरा देता हूँ आपको। तो ये हमारी गाय चेक कर सकते हो जो कि आज महाराष्ट्र को जा रही है, कर्नाटका को जा रही है, गुजरात को जा रही है, टॉप लेवल के सीमन टॉप लेवल की गाय। और सेकंड वाली गाय हमारे खुद के फार्म से इनको दी है भाई, महाराष्ट्र सतारा को जा रही है और गुजरात को जा रही है। हमारा क्या मकसद होता है भी कोई भी आओ उसको अच्छे एनिमल लो, मैं बोलता हूँ भी हमारी चाहे लाइव हो चाहे वीडियो आप अदर वीडियो से कंपैरिजन करो फिर आप एनिमल प्रोसेसिंग करने आओ, जहाँ से आपको अच्छे लग रहे हो वहाँ से एनिमल प्रोसेसिंग करो। मैं नहीं बोलता गुरविंदर से आप एनिमल प्रोसेसिंग करोगे, टॉप टॉप लेवल के एनिमल है जो कि आगे जाके आपको प्लस ब्रीडिंग प्लस मिल्किंग और प्लस आपको जो आपकी ब्रीडिंग सुधार करेंगे वो भी ये एनिमल करेंगे। देखिए पिंक कांचल कम्पैक्ट आर्डर फेस क्वालिटी से मैं आपको जज करा देता हूँ। नीचे भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला आपके लिए और कमेंट कर सकते हो आप। और आर्डर क्वालिटी देखिए सर क्या कहती है, ये होती है सर 40-40 लीटर वाली गाय, मैं तो इससे 40 से अबव मिल्किंग ले लूँगा। तो आप नियर अबाउट में फार्मर को 40 लीटर कह के दिया है और अब चेक करो नीचे कमेंट करो भाइयों जिनके पास ब्रीड है उनको बोलना चाहूँगा भी आप कमेंट करो भी कैसी ब्रीड है ये, 120 में दी है फिक्सिंग प्राइस में, फिक्सिंग प्राइस में 120 में दिया। और कट वाला आर्डर देखो सर, आर्डर के गैप टीथ गैप और चैलेंज है मेरे ऐसे रेट में कोई एनिमल दे दे आपको 45 लीटर मिल्किंग नियर बोर्ड दे देगा। और चेक करो आप हाइट लेंथ बॉडी वेट, क्योंकि मैं बोलता हूँ अगर ऐसे एनिमल रहेंगे तो आपका डेयरी फार्म ने तो आगे चलने ही चला, कभी भी आपका मिल्किंग पे पैसा इकट्ठा नहीं होता। जब आप एक अच्छी एनिमल लोगे ब्रीड लोगे तो ही आपका डेयरी फार्म आगे को चलाएगा, क्योंकि डेयरी फार्म ब्रीड कैसे आगे चलाएगी अगर आप इन्होंने अच्छे बच्चे देने हैं, बच्चे देने हैं तो आपका जो डेयरी फार्म है वो एक टॉप लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि इनका बच्चा स्टार्टिंग में ही 35 लीटर के मिल्किंग के चलेगा। और सिंगल सिंगल आर्डर में क्वालिटी दिखाता हूँ मैं आपको, चेक करवाता हूँ, ऐसा नहीं आपको एक ही एनिमल दिखा रहे हैं सारे सभी एनिमल पे दो तीन एनिमल चलाकर दिखाएंगे। टीथ का गैप चेक कीजिए परफेक्ट, आर्डर क्वालिटी चेक करिए और लेग स्कोर चेक करो गाय का, फिर बोलता हूँ अगर लेग स्कोर बेस्ट है ना तो आपका फिर ही गाय आगे चलेगी, क्योंकि लेग स्कोर में जाना होगी तो आगे आपका डेयरी फार्म एक आगे को लेके जाएगा। तो मैं फटाफट आपको गाय चलाकर दिखा देता हूँ। तो भाइयों चलते चलते वीडियो में आप देखिए ये सेकंड लोकेशन में 40 पिंक नोज, और भाइयों को बोलना चाहूँगा कमेंट जरूर करो भी वास्तव में ब्रीड है जहाँ हम कुछ फेक ही बोल रहे हैं। देखिए सर खाड़े में जैसे पहलवान चल रहा है ऐसे गाय चल रही है, और आर्डर क्वालिटी देखिए अभी 10 डेज बच्चे देने में बाकी है, जितना नियर अबाउट 35 लीटर मिल्किंग डाल देगी। और मैं बिल्कुल दिखाता हूँ आपको ब्रीडिंग वाला हांचल जिसको बोलते हैं ना ब्रीड ब्रीड, इसमें सारे करेक्टर हैं ब्रीडिंग वाला हांचल। देखिए ये देखिए चारों टीथ का गैप, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैठो और आर्डर की गलाई देखो बिल्कुल छोटा आर्डर, इस आर्डर को स्टेटस नहीं आता कभी भी। ये देखिए राइट हैंड और फेस क्वालिटी मैं आपको जज करवाता हूँ भाइयों, और माथे की डंगाई पिंक नोज हाइट लेंथ बॉडी वेट, क्योंकि गाय में बहुत सारे करेक्टर होते हैं, अगर आप 20 करेक्टर भी सीखे ना तो मैं बोलता हूँ कभी भी आप फेल नहीं होगे, एक अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसे ही आपको हर रोज आपको अच्छी से अच्छी ब्रीड दिखा रहे हैं, अच्छी से अच्छी गाय दिखा रहे हैं। हमारा मकसद ये है भी आप जो भी फार्मर आ रहे हैं वो एक अच्छे एनिमल प्रोसेसिंग कर सके। तो ये हमारे एनिमल थे सर, बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, लास्ट वाले लाइव को वन डे में 8-10 हज़ार लोगों ने देखा तो बड़ा सुकून मिलता है भी मालवा फार्म के पेज में गुरविंदर को आप इतना अच्छा प्यार देते हो वो आपकी ब्लेसिंग है सर, क्योंकि मैं बोलता हूँ अकेला आदमी कभी बड़ा नहीं होता, अगर चार फार्मर उसके साथ में रहेंगे तो बड़ा एक जज्बा बन जाता है, बड़ा अच्छा लगता है भी क्योंकि फार्मर उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो बोलते हैं भी हम ये कर देंगे मैं कर देंगे वो चीज़ नहीं होती, हमने कभी नहीं बोला भी मैं ये कर दूंगा, मैं बोलता हूँ जो गुरविंदर डेयरी फार्म है वो फार्मर का बनाया हुआ डेयरी फार्मर है। तो आप आओ दो टाइम मिल्किंग करके लेना चाहते हो मिल्किंग करके ले सकते हो, इस वाले लाइव को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कोई भी गाय को प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पे हमारे दोनों नंबर चल रहे हैं उसमें कॉल करके पूछ सकते हो, तो कॉल करके पूछ के आपको बता सकते हैं जो भी आपको गाय के बारे में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपने मेरा बहुत सारा साथ दिया है
बहुत सारा साथ दिया, कहीं भी किसी स्टैंड पे हो, चाहे वो कंपटीशन जीतने में हो आपका प्यार था, चाहे वो गाय में सेलिंग का पॉइंट हो, तो गाय में सेलिंग का पॉइंट भी लास्ट ईयर मेरे को बहुत अच्छा प्यार दिया महाराष्ट्र वालों ने। 500-500 गाय एक मंथ की सेल करना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पंजाब में आज भी मैं बोलता हूँ किसी के पास फार्मर हो ना हो, पर गुरविंदर के डेयरी फार्म में एनिमल एनी टाइम फार्मर रहते हैं, ट्रस्ट करके आते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो ये आपने विश्वास है आप मेरे ऊपर जो ट्रस्ट किया, मैं बोलता हूँ मैं आपके ऊपर डबल ट्रस्ट आपको दूँ, क्योंकि हमारा मकसद है फार्मर को जागरूक करना, उसको एनिमल देने। फिर बोलता हूँ मैं जब भी कोई फार्मर आता है उसको पहले अपने पर्सनल फार्म पर लेके जाता हूँ, तो पर्सनल फार्म पे लेके जाता हूँ। कुछ भाई जो नीचे कमेंट कर रहे हैं उनको पता भी होगा भी गुरविंदर के पर्सनल फार्म पे जाते हैं हम, पर्सनल फार्म पे लेके जाके चेक करवाता हूँ, इसकी फीडिंग देख लो, मैनेजमेंट देख लो, हम ये खिला रहे हैं, हमारी गाय 40-40 बाब मिल्किंग कर रही है, तो उनको पता चल सके भी हमारे पंजाब में ये है ये नहीं, क्योंकि उनके पास सभी चीज़ें हैं, बस खाली कमी कहाँ रह जाती है, अवेयरनेस की कमी रह जाती है। तो सभी भाई का स्पेशल थैंक्स करता हूँ, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नेक्स्ट लाइव में, और धन्यवाद।